नमस्कार दोस्तों, क्रियो पैरामेट्रिक के लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग नया कमांड सीखते हैं। फाइल को ओपन करते हैं। तो आज का जो मेरा कमांड रहेगा इंजीनियरिंग में, यहाँ पे स्पाइनल बेंड है, इस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने से पहले एक हम ज्योमेट्री को ड्रॉ कर लेते हैं और इसके मदद से एक हम लोग स्पाइनल क्रिएट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। शूट बटन क्लिक करते हैं, स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसका 2000 रेंज रखते हैं और इसको हम लोग 100 कर लेते हैं, 100 और इसको कर लेते हैं 50 और इसको कर लेते हैं 1000। ठीक है, और एक यहाँ पे हम लोग सर्किल को ड्रॉ करते हैं और एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ट्रिमिंग कमांड से यहाँ पे यूज करके डिलीट सेगमेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ये बन गया मेरा। ये बनने के बाद जो है मेरा कंप्लीट, यहाँ पे एक हम लोग हेक्सागोनल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे पैलेट्स कमांड का यूज करके। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम इसको, थोड़ा सा कम रखते हैं और रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, और सेम फिगर यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ करेंगे। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं, क्लोज करते हैं और इसको ओके करते हैं। क्लोज करने के बाद इस कमांड से हम लोग बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे इसका थिकनेस हम लोग प्रोवाइड कर लेते हैं। सपोज इसका 20 रख देते हैं थिकनेस, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 50 कर लेते हैं इसको। ठीक है, स्टैंडर्ड लग रहा है मेरा थोड़ा सा देखने में। ठीक है, और यहाँ पे ओके करते हैं इसको। ठीक है, और साइड में यहाँ पे कॉर्नर पे रहा उसको एक हम लोग ऑटो राउंड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं रेडियस। यहाँ पे ऑटो राउंड आपका जनरेट हो गया जरा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस प्रोफाइल पे इस डाटम प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और एक स्केच ड्रॉ करेंगे। डिफॉल्ट को क्रिएट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इस स्पाइनर को जो हमको प्रोफाइल देना है वो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक है, वो यहाँ से लाइन रहेगा। और यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिलेट कमांड का यूज करेंगे, इसको फिलेट दे दिया, इसको भी फिलेट दे दिया, यहाँ पे भी फिलेट हमने दे दिया। फिलेट का रेडियस डिफाइन कर लेते हैं सपोज 100। इसको भी 100 कर लेते हैं, पे भी 100 कर लेते हैं और इसको भी 100 कर लेते हैं। ठीक है, ये 100 करने के बाद हम लोग यहाँ से ओके करते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद हम लोग इंजीनियरिंग में जाएंगे और यहाँ पे स्पाइनल बैंड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये प्रोफाइल जो है मेरा, जो स्केच जो हम लोग ने ड्रॉ किया है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो बस मुझे क्या करना है, जो बेंड जिस ज्योमेट्री को बेंड करना है इस पे हमको क्लिक करके उसको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कीजिए बस। ठीक है, अब सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने और रेफरेंस में जाके यहाँ पे देखिए चेंज जो हमारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम लोगों ने पॉइंट को डिफाइन किया, देखिए जो मेरा ये पूरा कंप्लीट पहले वाला जो स्पैनर था वो इस बैंड में मेरा वो ऑटोमेटिक जो है वो शेप में आ गया आपका। देखिए कंप्लीट स्पैनर टूल आ गया, तो ये जो है मेरा प्रोफाइल में आपका आ गया देखिए। और ये फाइनल एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग ओके प्रेस करेंगे। देखिए स्पैनर मेरा आ गया कंप्लीट। इसको आपको कलर प्रोवाइड करना है यहाँ पे, तो बस व्यू में जाके यहाँ पे अपीयरेंस में जाके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे पूरा पार्ट्स को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए। फिर से हम लोग अपीयरेंस में जाएंगे, एडिट अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसका यहाँ जो है यहाँ पे मेटल पे क्लिक कर देंगे, ग्लॉसीनेस इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करके इसका जो है थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं इसको और यहाँ ग्लॉसीनेस जो है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कंप्लीट मेरा जो है ये टूल जो है मेरा यहाँ पे बन गया। ओके करते हैं इसको, चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे हम लोग यहाँ पे ये कमांड जो है मेरा स्पाइनल बेंड का यूज करके एक हम लोगों ने स्पाइनर को क्रिएट किया। होप ये कमांड आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम लोग अब अगला लेक्चर में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।